तो चैनल टू माई सब्सक्राइब, अगर मैं गलती से बोल दूँ तो प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, जैसे कि अभी भी पसीना आ रहा है। चलो अंदर। 24 घंटे गर्ल्स काम करती हैं और ये इनकी शिफ्ट चलती है 24 घंटे, तीन शिफ्ट में ये लोग काम करते हैं। तो अब जो है हमारी मम्मा जो है अब गाड़ी को ट्राई कर रही है, अच्छा कुछ इस तरीके से खुलेगी, फंक्शनल है गाड़ी, देखना भग ना जाए। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं एक ऐसी जगह आया हूँ भाई साहब जहाँ आने का मौका बार बार नहीं मिलता, इनफैक्ट कुछ लोगों को तो लाइफ टाइम में कभी नहीं मिलता। यानी कि आज मैं खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश 112 के ऑफिस के बाहर, यहाँ से हमें इनवाइट आया था, आज हम यहाँ पे आए, यहाँ पे घूमेंगे, टूर करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानेंगे जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, और बहुत इंटरेस्टिंग ये व्लॉग होने वाला है। तो बिना देरी करते हुए इस मज़ेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये व्लॉग जो है थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है, तो एंड तक देखना है, कोई हिस्सा बिल्कुल ना मिस करना, क्या पता आपके या आपके किसी जानने वाले की जान बचा सके या आपकी सहायता हम पहुँचा सके इस व्लॉग के माध्यम से। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ध्यान से सुनिए, शेयर जरूर करना, किसी की जान आप बचा सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, हम उत्तर प्रदेश 112 में अब एंट्री करने वाले हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आज के लिए कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। तो चैनल टू माई सब्सक्राइब, अगर मैं गलती से बोल दूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, जैसे अब देखो अभी भी पसीना आ रहा है। चलो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या मस्ती हम करेंगे। चलो ये हमने एंट्री करी, वहाँ पे 1:50 स्केल का यहाँ पे एक मॉडल बना हुआ है, यहाँ पे हमारी फ़ोटोज़ वगैरह खींची थी अभी। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश 112 का ऑफिस और पूरा हमारा जो ग्रुप है वो चल रहा है। चलिए अब अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। कौन एक्साइटेड है, कौन कौन नर्वस है, बता दो। मैं नर्वस ज्यादा हूँ। नहीं, मेरा तो ये कि चैनल टू माई सब्सक्राइब ना बोल दूं आज गलती से। तो ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी चीज है जो बार बार ना आपको देखने के लिए मिलेगी, ना सुनने के लिए मिलेगी, और समझने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाली। हम लोग खड़े इस टाइम पे यूपी 112 में संजीव चाचा के साथ है, इनको कौन नहीं जानता है ना, ही डज ही नीड इवन इंट्रोडक्शन है दादी। तो आज आप थोड़ा सा बताओ आज हम यहाँ क्यों आए हैं। अच्छा एक्चुअली नमस्कार सारे व्यूवर्स को, मेरा अभिनंदन अभिवादन। आज 112 में मैंने प्रांजल को इसलिए यहाँ पर बुलाया कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है, हमारी पुलिस फ्रेंडली है लेकिन हम उसको दूर से देख के डर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज यहाँ के माध्यम से, इस ब्लॉग के माध्यम से आपको ये समझ आएगा कि पुलिस कितना हेल्प करती है, कितना फ्रेंडली है, और किन किन चीज़ों पे हमको इनसे सहायता मिल सकती है। वहाँ पे अगर आप ट्रेन नंबर, शीट नंबर या कुछ भी बता देते तो हमारी जो जीआरपी की पुलिस उसमें लगी होती है, हम उनको बीच में लेके चलते हैं, तो उनसे हम हेल्प ले लेते हैं। कईयों के झगड़े हो जाते हैं, किसी का कुछ सामान छूट जाता है, कुछ ऐसी बात हो जाती है जिन्हें उन्हें लगता है कि हमें पुलिस की ज़रूरत है, तो हम जीआरपी में भी, यानी ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हो तो भी हम 112 की हेल्प दे पाते हैं। 108 का तो है ही, एम्बुलेंस के लिए भी है, 1090 के लिए भी है, और फायर के लिए भी है। आपको कोई अलग अलग नंबर डायल नहीं करने हैं, सिर्फ आपको 112 डायल करना है और आप बोल देते हो कि मुझे इस तरह की हेल्प चाहिए, तो फिर हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वो हेल्प उनको दे पाते हैं। अब अभी ये भाषा की बहुत दिक्कत होती थी, कुछ लोग अवधी बोलते हैं, कुछ लोग भोजपुरी बोलते हैं, कुछ लोग बुंदेलखंडी, उस यूज हमारी जो कॉमन की खड़ी भाषा समझते हैं, पर जो गाँव वाले लोग होते हैं उनको पढ़ने सुनने में बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर हम लोगों ने डेक्स अलग अलग बनाई है, अगर कोई अवधी बोल रहा है तो वो अवधी की कॉल अटेंड करने वाली लड़की होगी, जो भी सीओज होंगी वो अवधी में बात करेंगी, ताकि वो बंदा अपनी परेशानी थोड़ा आराम से बता सके।
बुंदेलखंडी है तो बुंदेलखंडी में बात करेगा, और जो अवधि भोजपुरी, भोजपुरी बहुत ज़्यादा बोली जाती है तो अवधि और भोजपुरी के लिए दिक्कत होती है। तो हम लोगों ने ऐसी सीओस तैयार की है कि वो सिर्फ उनसे उन्हीं की भाषा में बात करेंगे, तो उनको अपनी परेशानी, तो गांव में महिलाओं को परेशानी बताने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो लोग नहीं बता पाते। और जो महिलाओं के लिए हम लोगों ने एक डेस्क अलग से बनाई है, और ऐसे बुज़ुर्गों के लिए भी कि अगर बुज़ुर्ग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो 60 साल से ऊपर हैं वो यहाँ पे एक कॉल करेंगे नॉर्मल, उनके पास कोई भी फ़ोन हो, या तो कीपैड हो या एंड्रॉयड हो, कोई भी फ़ोन है, अगर फ़ोन नहीं भी है तो वो किसी के भी फ़ोन से एक हमें यहाँ पे मैसेज दे दे कि मैं इतने साल का हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है। ऐसे लोग जिनके बच्चे हैं या जो बाहर विदेशों में रह रहे हैं या दूर रह रहे हैं, वो अकेले हैं घर में, तो वो लोग अक्सर हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं 112 पे कि हम इतने साल के हैं और हमारी यो में हम बुज़ुर्ग हैं। तो हमारी जो लोकल पुलिस होती है वो उनसे समय समय पर मिलती है कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, और यहाँ से जब उनकी कॉल हमारे पास आती है तो हमें उनसे एड्रेस नहीं पूछना होता है कि आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपके बच्चे कितने हैं, आपका घर का एड्रेस, प्रॉपर मकान नंबर, तो हमें उनका टाइम नहीं वेस्ट करना होता है। सिर्फ उनकी कॉल आती है तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारे सीनियर सिटीजन है, इन्होंने हमारे यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, उन्होंने अपनी परेशानी बताई, तो हमारा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम उन्हें पुलिस हेल्प भेज दें। और समय समय पर उनका हम ये चेक करवा लेते हैं कि क्या उनके घर वाले उनको परेशान तो नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनको सही से खाना नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, रहने को नहीं मिलता, तो ऐसी परेशानियों को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर एक सवेरा योजना, उसका नाम दिया गया है। तो सवेरा योजना पे जो भी बुज़ुर्ग हैं वो अपना एक रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, उसको नाम सीनियर सिटीजन के नाम से दिया गया। ऐसी महिलाएँ भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगी, तो अगर डोमेस्टिक से संबंधित कोई भी ऐसी घटना होगी कि उन घर में इतनी दिक्कतें हो जाती हैं कि महिलाएँ नहीं बता पाती, तो अगर सिर्फ उनकी मिस कॉल या कॉल कुछ भी आ गया तो हमें पता हो जाता है कि हाँ ये किसी परेशानी में है, तभी तो इन्होंने कॉल या मिस कॉल किया। तो हम लोग उनके पास बिना समय टाइम वेस्ट किए हुए वहाँ पुलिस भेज देते, क्योंकि बहुत थोड़े समय में ही एक ही जान चली जाती है। पता चला कोई कमरा बंद करके फांसी से लटक गया और यहाँ कॉल करके उसने फ़ोन रख दिया, वो फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे, वो तो कमरा बंद करके फांसी लग, तो उनके रजिस्ट्रेशन होने पर हमें पता होता है कि इनके घर में पहले से ये समस्याएँ होती रही हैं, तो हो सकता है कि ये लेडी परेशान हो, तो उनके रजिस्ट्रेशन होने से हमें फ़ायदा हो जाती है। तो हम लोग उन पे तुरंत वहाँ पे एक रिस्पांस व्हीकल अपनी जो पीआरवी है उसको भेज देते हैं, तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होता और उनको हेल्प मिल जाती है। कई ऐसे केस हम लोगों ने इससे बचा पाए हैं जिनमें महिलाएं कमरे में अपना बंद करके लटक गई हैं, जाते जाते उनको बचा लिया है तो बच गई, तो सेव लाइफ का भी रिकॉर्ड है कितनी लाइफ हम लोगों ने ऐसे बचा ली है। व्हाट्सएप ट्विटर और फेसबुक से भी अगर कोई मैसेज कर देता है, कुछ कंडीशन ऐसे हो जाती है कि आप बात नहीं कर पा रहे हो और आप हमें मैसेज कर दे रहे हो, टेक्स्ट मैसेज से लेके व्हाट्सएप से लेके, तो उन पे भी हमारी सीओस काम करती हैं, वो आपके तुरंत उस पर इवेंट क्रिएट करेंगी और एक गाड़ी को भेजेंगी। अब आपसे दोबारा हमारा संपर्क हो रहा है कि नहीं इससे कोई मैटर नहीं कर रहा, आप हो सकता है कि मैसेज करने के बाद आपका फ़ोन किसी ने ले लिया हो या फेंक दिया हो, कुछ भी हो सकता, लेकिन हमारे पास जो लोकेशन आ जाता है हम उस लोकेशन पर कोशिश करते हैं कि उस जगह हमारी पी आर भी पहुँच जाए, कुछ तो मिलेगा, पता तो चलेगा क्या है, क्यों कॉल किया था। तो इसके लिए हमारे यहाँ 24 आवर्स व्हाट्सएप ये सब पीछे जाता है, सोशल मीडिया से सब पे इवेंट क्रिएट किए जाते हैं, किसी को कॉल नहीं कर पा रहे, किसी का नंबर नहीं लग रहा है, तो हम लोगों ने टेस्ट मैसेज, जिनके पास छोटे फ़ोन हो वो टेस्ट मैसेज कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये सारी कॉल यहाँ पर आ जाती है। कुछ लोग होते हैं जो घबरा जाते हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो लोकेशन नहीं बता पा रहे कि मैं कहाँ पे हूँ, कि बस आप जल्दी से आइए। तो उस केस में जो सीओज हैं वो लोकेशन डिटेक्ट कर पाते हैं? सर हमारे यहाँ सिस्टम है, आप जितनी कंपनियाँ हैं हमारी ये नेटवर्क की, उनके एक कॉल आने से हमारे पास लोकेशन आ जाता है, अच्छा LBS आ जाता है, हमें फिर भी उनसे एक बार कन्फर्म करना होता है। मान लीजिए आपने अपने घर से फ़ोन किया और आपको आपके दोस्त के लिए हेल्प भेजनी है, तो हम आपके लोकेशन को बिल्कुल कैप्चर नहीं कर सकते, आपसे कंफर्मेशन लेना होगा कि क्या आप जहाँ से बोल रहे हो वहीं पे आपको पुलिस सहायता चाहिए। अगर आप बोलते हो हाँ तो ठीक है, नहीं तो आपने दूसरा एड्रेस दिया, तो फिर वो हमें नोट करना पड़ेगा। प्लीज़ अकेली है या अपनी फैमिली के साथ में है तो आप हमारे स्क्वाड फॉर सेफ्टी की एक मदद ले सकते हैं, वो रात में स्टार्ट सिर्फ रात के टाइम के लिए, सुबह 5 बजे तक, 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए हेल्प दी गई है। अगर 112 डायल करते हो और बोलते हो कि मैं हाईवे पे या किसी ऐसी जगह हूँ जहाँ मैं सुरक्षित नहीं हूँ
और मुझे स्कॉर्ट चाहिए कोई भी, आप किसी ऑटो में बैठ गए हो तब भी आपको लग रहा है कि मुझे इस ऑटो वाले पे कोई ट्रस्ट नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जा सकती, तो आप 112 की हेल्प लेके स्कॉर्ट करवा सकते हो। वो ऑटो आपको जहाँ तक छोड़ने जाएगा हमारी 112 की PRB भी आपको वहीं तक फॉलो करेगी, आप सही पहुँच गए हो तभी हमारी गाड़ी वहाँ से जाएगी। नहीं, मेरे क्लब में, मैं रोटरी में वाइस प्रेसिडेंट, तो मेरे क्लब में मोर देन बहुत सारे लोग हैं 60+, तो सब ने करा रखा है, तो हम लोग यहाँ विजिट करने आए ना, तो चेक करने के लिए एक मेंबर ने मिलाया तो तुरंत नीचे से ही कॉल आया। हाँ, उसमें नॉर्मल आपको 112 डायल करना है। ओके, नॉर्मल जब आप 112 डायल करेंगे तो जब आप बोलेंगे कि मैं सीनियर सिटीजन के, उस पर सवेरा योजना का नाम है, सवेरा योजना, उस योजना पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ, तो आपको नॉर्मल सी डिटेल देनी होगी, अपना नाम, घर का एड्रेस, मोबाइल नंबर, आप जिससे कॉल कर रहे हो वही है तो कंफर्म करना है, नहीं है अगर आपके दो एड्रेस है कि ये एक मकान में यहाँ रह रहा हूँ, तो आपको अपने प्रॉपर एड्रेस नोट कराने हैं, मकान नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, और कोई नियर अबाउट आपका लैंडमार्क है तो वो नोट करवा देंगे, वो नॉर्मल सी क्वेरी होती है हमारे यहाँ ऐप वालों की, तो बस वो देते हैं और कुछ उसमें बहुत ज़्यादा विशेष कुछ हो चुकी है। और ये फोर व्हीलर गाड़ी पे रखती है, ये गाड़ी का डेमो, ये गाड़ी का डेमो, ये सारी चीजें। हाँ, ओके, ये इतना सब गाड़ी अपने साथ लेके ही चलती हमेशा। तो ये है पुलिस की गाड़ी जो आपको अधिकतर हमारे उत्तर प्रदेश में हर जगह देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे वो बड़ा वाला टैबलेट माउंट होगा, जैसे वहाँ पे उन्होंने हमें भी बताया था, ये रहा इनका रेडियो या सेटकॉम, आप जो भी इसे कहना चाहेंगे। यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स कुछ इस टाइप के व्हीकल्स में आपको मिलेंगे, तो जो लोग विजुअली देखना चाहते हैं तो हमारा लखनऊ या फिर यानी हमारे उत्तर प्रदेश 112 की जो गाड़ियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार की हैं और आपको हर जगह मिल जाएंगी देखने के लिए। ब्लैक कलर की ही गाड़ी होगी और नंबर आपको इसकी चारों तरफ से दिखाई देगा, जब आप बाहर कभी भी देखेंगे 1534 नहीं देगी। इसी का यही बताने जा रहे थे कि गाड़ी का ये जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये बड़ा यूनिक है हमारे यहाँ। Okay. आपको UP 32 तो हर जगह मिलेगा, DG हर जगह मिलेगा, ये जो 4 डिजिट है ना, जी, ये गाड़ी के अलग अलग, सब गाड़ियों के अलग, यही जो नंबर होता है जी, तो हमारे इसमें जो मोबाइल होता है उसके लास्ट 4 डिजिट यही होते हैं। ओह, उसको एक CUZ नंबर दिया गया है, 715। ओके, फिर ये जो नंबर आप मिला के कॉल करेंगे तो इसके अंदर जो फोन रहेगा उस पर ही कॉल जाएगी। 7311, दोबारा रिपीट करें मैम नंबर, 7311 5। तो जो उस व्हीकल में है उनको फोन, उनको ही कॉल करेंगे। ओके, ये हाँ, ये हम लोगों के लिए है और गाड़ी का नंबर सब जगह आपको सेम मिलेगा, UP 32 DG, ये तो हमारे हेडक्वार्टर के नंबर से लखनऊ के ही नंबर की गाड़ियाँ पूरी आपको ऑल UP में मिलेगी। जी ना, आप कहीं पे भी जाएंगे यहाँ से, आप लास्ट हरियाणा बॉर्डर या फिर वहाँ MP बॉर्डर पे भी देखेंगे, UP 32 DG ही मिलेगा हर जगह नंबर। बस ये नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये हमारे यहाँ का सिम का नंबर भी है, लास्ट 4 डिजिट रजिस्ट्रेशन और सिम के लास्ट 4 डिजिट, उसे CUZ नंबर में कन्वर्ट भी किया गया। तो अब जो है हमारी मम्मा जो है अब गाड़ी को ट्राई कर रही है, अच्छा कुछ इस तरीके से खुलेगी, फंक्शनल है गाड़ी, देखना भग ना जाए, है ना, क्या बात है, क्या बात है, बड़ा सौभाग्य आज मुझे 112 की गाड़ी में बैठने को मिल रहा है, है ना। तो ये है हमारी यूपी पुलिस वाली बाइक, इस टाइप की फ्लैशिंग बाइक आपको मिल जाएगी। और मम्मा जो है कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब चीजें कहाँ मिलती हैं, आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला और मैं बहुत ही खुश हो रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। शहर या देहात, दिन हो या रात, 112 है आप सबके साथ, क्या बात है, क्या बात है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 112 इमरजेंसी में सारी महिलाएं जो CEO ऑफिसर्स हैं वो सब लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। और ये वाला नज़ारा आपको बार बार देखने को नहीं मिलता है, पहली बार देखने को मिल रहा है मेरे ब्लॉग के माध्यम से। तो इस ऑडिटोरियम का जो नाम है वो है अभिव्यक्ति ऑडिटोरियम, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। और कितना खूबसूरत है ये, क्या आपको पता था कि उत्तर प्रदेश 112 में आपको एक ऐसा ऑडिटोरियम भी देखने के लिए मिलेगा। और कितना बड़ा, कितना खूबसूरत, कितना स्पेशियस, AC वेसी सब है भाई साहब, गजब। तो लड़की चाय, हाँ हाँ, अरे देखिए स्नैक्स। तो अभी हमारा टूर जो है ऑलमोस्ट मिड वे थ्रू में है, अगर आप ये कह सकते हैं, और अब हम पी रहे हैं हेडक्वार्टर 112 में चाय।
कैन यू इमेजिन कि हम हेड क्वार्टर्स में बैठ के चाय पी रहे हैं। तो ये पहली बार हो रहा है मेरे ब्लॉग में, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत ऑनर्ड हूँ कि यूट्यूब और इस सब के थ्रू मुझे अपॉर्चुनिटी जो है वो मिली यहाँ पे आने की। तो चलिए अब चाय पीते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सब ने बैठ के पी चाय, खूब सारा मज़ा आया चाय वाय पी के। इन्हें तो गिफ्ट भी मिलेगा। हेलो, नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो गाइज़ आई होप कि आपने ये वाला मज़ेदार ब्लॉग यहाँ तक देखा और आपको ब्लॉग को देख के आया मज़ा और आपने कुछ नया सीखा। अगर ऐसा हुआ है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो करना है सुपर डुपर हाइपर लाइक, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे भी नहीं पता थी और इस ब्लॉग के माध्यम से मैंने आपको दिखाई, तो वो आपको ज़रूर अपने फ्रेंड्स फैमिली दादा दादी नाना नानी चाचा चाची सबके साथ शेयर करनी है और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं इस टाइप के मज़ेदार ब्लॉग्स आप तक लाता रहता हूँ। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अवेयर रहें। Thanks for watching.